महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से संभल जिले के चंदौसी में बदायूं रोड पर स्थित राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान में आज रोजगार मेले का आयोजन किया गया, जिसमें दो पहिया वाहन की अग्रणी कंपनी हीरो मोटोकॉर्प पहुंची। रोजगार मेले का आयोजन खासतौर पर महिलाओं को रोजगार के अवसर प्रदान करने, उन्हें सशक्त बनाने के लिए किया गया, जिसमें संभल के अलावा अन्य जनपदों से भी महिलाएं सम्मिलित होने के लिए पहुंची। इस विषय में जानकारी देते हुए नोडल राहुल कुमार शर्मा ने बताया कि महिलाओं को रोजगार के अवसर प्रदान करने, उन्हें सशक्त करना रोजगार मेले का मुख्य उद्देश्य है। वहीं राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान चंदौसी के प्रधानाचार्य सुरेंद्र कुमार वाष्णेय ने बताया कि हम प्रत्येक माह रोजगार मेले का आयोजन करते हैं। आज का मेला खासतौर पर महिलाओं को रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए आयोजित किया गया है। साथ ही हीरो की हरिद्वार प्लांट से आए अनिल नेकी ने बताया कि हमारी कंपनी का उद्देश्य महिलाओं को कैंपस प्लेसमेंट के अवसर प्रदान करना है। स्ट्रीट बस के लिए संभल से नितिन सागर की रिपोर्ट। राहुल कृष्ण शर्मा जी, किस पद पे हैं? नोडल प्रधानाचार्य जनपद संभल। आज क्या औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान चंदौसी में एक रोजगार मेले का आयोजन हुआ है, जिसमें हीरो मोटर्स आई है, तो क्या कहेंगे? हीरो मोटर्स हमारी यही प्रायोरिटी रहती है कि ये मैक्सिमम जो सरकार की प्राथमिकता है, मतलब गर्ल्स को आगे बढ़ाना, तो हम इनसे यही अनुरोध कर रहे हैं कि हमारे यहाँ जो जनपद के बच्चे लड़की हैं उनको आप प्रायोरिटी पे जो है नियोजित कराएं अपने यहाँ। अच्छा, कितने बच्चों को सेलेक्ट करेंगे ये? लगभग 40-50 के लगभग बच्चे। किन किन ट्रेडों बच्चे हैं? टर्नर फिटर, इलेक्ट्रीशियन, मशीनिस्ट, मशीनिस्ट, डीजल मोटर मैकेनिक, वेल्डर। सर, मेरा नाम अनिल है। कहाँ से आए आप? मैं सर देहरादून से, हीरो हरिद्वार प्लांट से। अच्छा, आज जो चंदौसी आईटीआई में रोजगार मेले का आयोजन किया जा रहा है जी, जी। खास तौर पे ये छात्राओं के लिए है, तो क्या कहेंगे महिलाएं को आप रोजगार का अवसर प्रदान कर रहे हैं? सर, हम हर साल अपना यहाँ पे चंदौसी गवर्नमेंट आईटीआई में हमें आईटीआई द्वारा इन्वाइट किया जाता है, और हर साल कम से कम हमें जैसे हम कुछ ज़्यादा से ज़्यादा अपने गर्ल्स को अपना प्रायोरिटी देते हैं कि उनको कैंपस अपना अरेंज करें ज़्यादा से ज़्यादा, लेकिन अभी फिर भी रिक्वायरमेंट जो यूपी से है कि हमें कमी मिलती है, हम कोशिश फिर भी कर रहे हैं महिलाओं में ज़्यादा से ज़्यादा काम करने की और रोजगार उनको प्रोवाइड करवाने की। आज कितनी छात्राएं जो है एग्ज़ाम दे रही हैं? सर, अभी करीबन 25 अराउंड अपने छात्राएं होंगी भी जो भी एग्ज़ाम दे रही है। कहाँ की छात्राएं? सर, ये अदर डिस्ट्रिक्ट से भी, अपना जो सुल्तानपुर हो गया, उत्तराखंड से भी खटीमा हो गया, पीलीभीत हो गया, और संभल डिस्ट्रिक्ट से भी अपना काफ़ी छात्राएं आ रही हैं। टोटल कितने बच्चों का सिलेक्शन करेंगे आज आप? सर, हमारी प्रायोरिटी रहती है ज़्यादा से ज़्यादा अपना सिलेक्शन करना है, करीबन 25 अगर वो करते हैं तो करीबन हम 18 तक अपना सिलेक्शन रेशियो अपना रखते हैं 18 या 17 अपना हम देते रहते हैं। गर्ल्स का हमारा प्रायोरिटी ये रहती है। गर्ल्स के राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान चंदौसी में रोजगार मेले का आयोजन किया गया है, जिसमें खासतौर पर लड़कियों के लिए रोजगार मेले का आयोजन है, क्या कहेंगे? सर, हम लोगों की जो प्रायोरिटी होती है वो रोजगार मेले हर मंथ में हम कराते रहते हैं, जिसमें जो ये कंपनी है ये केवल स्पेशल महिलाओं के लिए होती है। महिलाओं की डिस्ट्रिक्ट, क्योंकि ये संभल डिस्ट्रिक्ट से हम जो बाहर भेज रहे हैं, तो इनकी प्रायोरिटी में हम लोग भी चाहते हैं कि सेफ्टी पर्पज़ से और गार्जियंस के पर्पज़ से ये वहाँ पर जाएं, इसलिए ये स्पेशल कंपनी हमने महिलाओं के लिए बुला रखी है।